बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंस्टीट्यूशन ADA पार्ट वन, जो इन लोगों ने इकोनॉमिक्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखा है उन लोगों के लिए मेरे चैनल पे तो तकरीबन हर टॉपिक्स के नोट्स अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी उसको लेके काफ़ी कंफ्यूजन है कि ये टॉपिक नहीं है और ये किस तरह से प्रिपेयर करना है। आपके पास जो इकोनॉमिक्स का पेपर आता है ADA पार्ट वन में, उसमें तीन सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए से आपको दो क्वेश्चन करने हैं, अगर ए बी पार्ट है तो ए बी मिला के वो एक क्वेश्चन बनेगा। फिर सेक्शन बी में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें भी आपको कोई दो क्वेश्चन करने हैं। फिर सेक्शन सी मैथ है, और मैथ तकरीबन सारी जो 10 ईयर है अनसॉल्व पेपर है वो मैंने सॉल्व करके अपलोड किया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन हैं इनकी भी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, इसका भी है सॉल्यूशन, हाउ आर दीज प्रॉब्लम सॉल्व इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये भी है, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये भी मेरे चैनल पे मौजूद है, एक्सप्लेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये अगर मैं आपको इसी बुक में निशान लगा दूँ क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन ड्यूरिंग शॉर्ट रन, ये भी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तकरीबन ये सारे क्वेश्चन मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आपको सर्च करना नहीं आता है तो आप ये टॉपिक लिखें और उसके आगे मेरे चैनल का नाम मीस ट्यूशन लिख के सर्च करें तो वो आपको फिल्टर करके वही निकाल के दे देगा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, अब आपको सिर्फ इनको समझ के याद करना है और पेपर अटैम्प्ट करना है। इसके अलावा अगर मैं सेक्शन भी बताऊँ तो वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, ये भी है मेरे चैनल पर, मैथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, इसमें से किसी एक को डिस्क्राइब करना है, तीन होते हैं, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, किंग्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लायर, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ये सब टॉपिक्स हैं मेरे चैनल पे। टॉपिक का नाम लिखें, आगे मीस ट्यूशन लिखें, ये सारे सोल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और पूरी प्लेलिस्ट होती है, और कोई भी वीडियो है उसके नीचे मोर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और उस प्लेलिस्ट पर सारे ये नोट्स अवेलेबल हैं। अब अगर ये वाला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक्सप्लेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये नेसेसरी एजम्पशन और कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये मेरे पास बुक है, बहुत पुराना एडिशन है, चैप्टर टेन में है और उसके पहले पेज में मिलेगा। मेरी बुक का पेज 159 है, आप अपनी बुक के पेज नंबर को चेक कर लीजिएगा। ये यहाँ से शुरू हो रही है और तकरीबन ये इसकी 7 कंडीशंस हैं, ये इसी पेज पर आपको मिल गई हैं आराम से। तो ये परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशंस हैं, और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन था दूसरा वाला, इसके इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन, ये आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, तो आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चन भी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। फिर इसके बाद 2021 है, 2021 में यहाँ पर व्हाट आर द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस बाय इन इकोनॉमी, ये सबसे पहले चैप्टर में ही है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ये चैप्टर नंबर 1 में है, ये मैंने यहाँ से निशानात लगाए थे और ये मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था पूरा इसका डिटेल। फिर अगर उसमें आपको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी आएगा तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के लिए इतना लिखना है, सोशलिज्म आएगा तो उसके लिए इतना लिखना है, मिक्स्ड इकोनॉमी आएगा तो यहाँ से लिखना, अगर आप अंदर हेडिंग्स बना लेते हैं तो आसान है। फिर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम आएगा तो उसके लिए यहाँ से लिखना है, तो ये क्वेश्चन सारे अवेलेबल हैं। तो जो भी मैंने निशाना बताए हैं आपको वो हैं 2021 में जो ADA का पेपर हुआ है। अब 2021 में BA का पेपर जो हुआ था उसके क्वेश्चन ये अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये वाला, और एक्सप्लेन द इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये मेरे चैनल पे है, डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, ये भी मिल जाएगा, मोनोपोली में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में ये भी मिल जाएगा, डिफरेंस करना है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ये पूरा टाइटल लिखें और आगे मीस ट्यूशन लिख के सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी मिल जाएगा। ये वाले दो क्वेश्चन मैं आपको इसी बुक में बता देती हूँ किस चैप्टर में, ये चैप्टर 6 में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, 102 मेरी बुक का पेज है, डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये यहाँ से लेके पूरा चलेगा यहाँ तक, तो ये आपको इस तरह से लिख देना है, ये क्वेश्चन यहाँ से मिल गया। और इसके बाद जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ये 149 पेज पे, ये चैप्टर 9 है, इसमें आपको फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आपको दोनों यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको इसका शेड्यूल बनाना है तो वो यहाँ से आ जाएं आप और शेड्यूल बना के ये डायग्राम बना दें, आंसर डिटेल में हो जाएगा तो आपका आंसर का इंप्रेशन अच्छा बन जाएगा। फिर इसके बाद इसमें वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, ये भी है मेरे चैनल पर, डिफ़िकल्टीज़ इन मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम, चैप्टर 13 नेशनल इनकम का चैप्टर है, इसमें आपने जाना है पेज नंबर
214, और यहाँ पे डिफ़िकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम, ये आपको यहाँ से लेके नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये आपका डिफ़िकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम हो गया। फिर इसके बाद हाउ इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कीन्स मॉडल, कीनीजियन मॉडल, ये भी है मेरे पास चैनल पे। एक्सप्लेन कौन मल्टीप्लायर एंड एसिलेशन का कॉन्सेप्ट बताना है, और फिर इसमें सिर्फ एसिलेशन को एक्सप्लेन करना है। फिर डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड कंजम्पशन फंक्शन, डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड कंजम्पशन फंक्शन, ये भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। लेकिन अगर आपको यहाँ से लेना है तो सबसे पहले आप कंजम्पशन की हेडिंग लगाएंगे और उसको डिफाइन करेंगे यहाँ से, ये कंजम्पशन की डेफिनेशन हो जाएगी। फिर आप इसका ये फार्मूला लिखेंगे, इसमें बताएंगे कि सी स्टैंड करता है कंजम्पशन को और वाई बताता है इनकम को। इसको फिर इस तरह से आपने यहाँ तक लिखना है। फिर डिफरेंस बिटवीन में जाना है तो सबसे पहले आप इतना पैराग्राफ लिख दें यहाँ से यहाँ तक। फिर आप नीचे शेड्यूल बनाएंगे, शेड्यूल बनाने के बाद आपने शेड्यूल को एक्सप्लेन करना है, ये जो इनके नंबर होते हैं इनको नहीं लिखते यहाँ से यहाँ तक। फिर आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो ये निशानात आप लोग लगा लें। अब यहाँ पर हमारे पास 2021 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये 279 पेज पे है मेरी बुक में। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये जाएगा नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास ये इसके मार्क्स हैं। अगर आप यहाँ से ये क्वेश्चन आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और ये मेरे चैनल पर भी मौजूद है और चैनल पर थोड़ा मुख्तसर है। तो आप क्या करें इसके लिए कि चैनल पे जाएं, वहाँ पे सर्च में लिखें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और आगे लिखें मेज ट्यूशन, तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा। और ये ख़त्म हो रहा है इस पेज पे, यहाँ तक आप इसके निशानात आप ये देख लें जो मैंने काटा हुआ है यहाँ से। फिर इसके बाद है डेरिवेशन ऑफ IS कर्व, ये 321 पेज पे। ये IS कर्व पेज 321 मेरी बुक में है, आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, चैप्टर 21 है। यहाँ पर सबसे पहले हमें कैसे लिखना है, हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन की हेडिंग लगानी है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इंट्रोडक्शन लिख देना है। और ये जो मैंने काटा हुआ ये नहीं लिखना। तो पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी। फिर डेफिनेशन की हेडिंग होगी दूसरी यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर आप लिखेंगे IS कर्व ड्राइव, ये पूरी हेडिंग भी लग सकती है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ग्राफ बनाना है। ये हेडिंग लगाने के बाद आपने ये ग्राफ बनाना है। ये दोनों ग्राफ बनेंगे एज इट इज़, बिल्कुल इसी तरह लाइंस लगेंगी। फिर ग्राफ के बाद आपने यहाँ से करनी है ग्राफ की एक्सप्लेनेशन। ये ग्राफ की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी और ये बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट पेज तक जाके यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगी। तो ड्राइव IS कर्व यहाँ तक हो जाएगा। तो ये निशानात आप इस तरह से देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि है पेज नंबर 310 पे। तो ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन 310 पेज पे है, चैप्टर है डिमांड फॉर मनी। तो ये यहाँ से टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन आएगा, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ से शुरू हो रही है, नेक्स्ट पेज पर जाके यहाँ तक ये कम्प्लीट हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको 2021 के निशानात लगा दिए, जो BA फेलियर वालों का पेपर हुआ था। इसका जो मैथ सेक्शन है वो भी मेरे चैनल पर इसके सॉल्यूशन मौजूद हैं। इसमें आपको सॉल्व करना है, इसे इंडाइसिस कहते हैं। इंडाइसिस के रूल से साइमल्टेनियस इक्वेशन एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है इसको, और यहाँ पे सिर्फ इनके डिटर्मिनेंट्स निकाल लें। और यहाँ पे आपको इन्होंने कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक से सॉल्व करके कम्प्लीट करना है। इसी तरह से बाकी ईयर्स के भी मैं निशानात लगवा दूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।